हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए भी और फैमिली प्लानिंग इश्यूज के लिए भी इस्तेमाल करें, तो मेरे ख्याल से हमारा आउटरीच, हमारा रीच थोड़ा और बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग जीविका में ट्रेनिंग का मॉड्यूल्स बना रहे हैं, जीविका का ट्रेनिंग का मॉड्यूल है, तो वो लाइवलीहुड से ही रिलेटेड है, तो उसमें हेल्थ का कॉम्पोनेंट भी और न्यूट्रिशन का भी कॉम्पोनेंट अगर जोड़ दिया जाए तो मेरे ख्याल से रीच काफी होगा और हम लोगों की पहुंच ज्यादा लोगों तक हो पाएगी। समाप्त कर लेता हूँ थोड़े और प्रश्न की ओपन एंड कुछ, जैसे अभी सरकार ने कहा कि कोसी एरिया में, लेकिन जो सेक्स रेशियो का हम फिगर्स देखते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो कुछ जिलों विच आर रिलेटिवली प्रॉस्परस होना भी चाइल्ड सेक्स रेशियो या सेक्स रेशियो का, तो मे बी वी नीड टू स्टडी जो जो कुछ दो तीन बातें उठाई गई है कि हमारी सरकार का प्रोग्राम है एडमिशन बोर्ड का डिवाइस स्टेट्स और ज्यादा सुविधा देने के लिए बिहार के 19 जिलों में शुरू किया गया है और 1 अप्रैल 2014 से 19 में लागू किया जाएगा। लेकिन जैसे दो महिलाओं ने कहा था रोड नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, स्कूल नहीं है, ये हेल्थ और न्यूट्रिशन से जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, जैसे महिलाओं ने कहा कि मजदूरी करना पड़ता है और भी जो प्रॉब्लम्स है बेसिक उनकी और भी इट्स मेरे कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अप्रोच की स्थिति पर एक और कहना चाहते हैं आंगनबाड़ी को भी खोल देंगे 25,000 आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के लिए हम लोग के पास भारत सरकार ने स्वीकृति भी दे दी है, लेकिन लेकिन खाली आंगनबाड़ी खोलने से कितना समस्या का समाधान होता है वो मैं आपने से पूछना चाहूंगा, क्योंकि क्वालिटी के पर बहुत ज्यादा शिकायत होती है। आंगनबाड़ी अभी भी हम लोग के पास 90,000 अभी स्वीकृत है, इसमें हम लोग 80,000 ही चला पा रहे हैं, क्योंकि 11,000 भी आंगनबाड़ी सेविका का चयन है। आंगनबाड़ी सेविका का चयन इतना जटिल हो गया है कि कभी कभी 6-6 महीना एक साल लगता है एक आंगनबाड़ी सेविका का चयन करने में, उसके बाद भी संतुष्टि नहीं हो पाता है, सहमति नहीं हो पाता है कि ये भी एक आंगनबाड़ी सेविका चयन होना चाहिए। दूसरा हमको ये भी लगता है कि बहुत ज्यादा जोर है इनपुट्स पर, खाना कितना दिया, खाना कितना पैसा मिला, कितना खाना दिया, हम लोग आउटकम्स को ज्यादा मॉनिटर नहीं कर पाते। हमारे अपने आंगनबाड़ी से लेकर भी बहुत ज्यादा आउटकम, जैसे जो अगर कुपोषित बच्चा है तो उसको एक साल या दो साल अगर आंगनबाड़ी केंद्र पर आया है तो एक साल दो साल में उसको क्या बेनिफिट मिला है कम्पेयर टू वो बच्चा जो आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं गया है, तो इसकी ओर भी थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। एक जो एटीट्यूड है जो डॉक्टर साहब ने बहुत ये कहा कि कितना हम लोग का डबल स्टैंडर्ड्स है पुरुषों का, जो काउंसलिंग सरकार ने कहा कि काउंसलिंग पुरुष का काउंसलिंग मेरी ज्यादा जरूरत है, महिलाओं को जो जीविका का जो कुछ कार्यक्रम जिसके बारे में बात किया गया हम लोग कोशिश कर रहे हैं 5 ब्लॉक में, उसमें बिहार के 2 ब्लॉक है, हम लोग आपके 1 ब्लॉक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह है उनके माध्यम से हम लोग अपना पोषाहार वितरित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अच्छा एक आइडिया है, जीविका एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें स्वास्थ्य एवं पोषण का जो जागरूकता है उसके बारे में भी हम लोगों को जागरूक बना सकते हैं। तो अगर किसी को यही कुछ कहना है तो हम इस सारी बात दिखा कुछ करें। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात जो रह गया है और हम भूल नहीं गए, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्टडीज बिहार में नहीं हुए हैं, और ये है व्यावसायिक स्वास्थ्य, यानी जब महिलाएं काम करती है, महिलाएं काम करती है उनका स्वास्थ्य बिगड़ती है, हमने सुना है सुबह से सुनते आ रहे हैं हम लोग, लेकिन इसके ऊपर ठोस स्टडीज नहीं किए गए हैं, तो ये एक सिफारिश हो सकती है। गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में ऐसे स्टडीज किए गए हैं, लेकिन हमारे बिहार में ये नहीं हुआ है।
ये भी हमें देखना होगा क्योंकि इन चीजों का बहुत मतलब आपसी तालमेल है और मैंने उन्हें बताया कि दिन भर काम करते रहते हैं उनका स्वास्थ्य के ऊपर काफी असर पड़ता है तो ये भी हमें देखना होगा और बिहार सरकार से खास अनुरोध करना चाहिए। विशेष सत्र होने वाला है जो बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है वो महिलाओं के ऊपर जो हिंसा होती है उसके ऊपर है। इसके लिए हम शिवानी सतीजा जो आयुष उनको बुलाना चाहते हैं और नीलम गुप्ता जो पत्रकार है जिन सत्ता के साथ उनको बुला चाहते हैं तो ये दोनों अपने विचार और थोड़े से फाइंडिंग्स है वो रखेंगे। हमने की है वो महिलाओं के ऊपर जो हिंसा की जाती है उसको स्टडी है जो हमने सेवा के साथ की है और बिहार के चार गाँव के चार जिलों में हमने इस स्टडी को किया है। मेन फ्रेमवर्क इस स्टडी का ये है कि महिलाओं पे जो हिंसा होती है और जो जुल्म होते हैं महिलाओं पर वो तीन ओर से होते हैं। एक तो क्योंकि वो महिला है जेंडर बेस्ड वायलेंस, दूसरा क्योंकि वो काफी महिलाएं जो गांव में होती हैं वो निम्न जाति की होती है तो कास्ट बेस्ड वायलेंस, और तीसरा है क्लास बेस्ड वायलेंस क्योंकि वो गरीबी में है। इन तीन ओर से जब हिंसा होता है तो इन तीनों का जब मेल होता है तो हिंसा बहुत गंभीर होती है और महिलाएं वैसे तो हर महिला पे कोई ना कोई हिंसा कभी न कभी होता है चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, पर जो गरीब महिलाएं निम्न जाति की महिलाएं जिस तरह हिंसा को अनुभव करती है वो बहुत अलग होता है क्योंकि उनके पास कोई जगह नहीं होती है जाने की, उनका कई बार कोई साथ नहीं देता है ना सरकार, कई बार उनको पता नहीं होता है कि किसके पास जाना है कैसे जस्टिस इंसाफ को हासिल करना है। हम जो जिस तरह की हिंसा को हमने देखा फील्ड वर्क जो हमने किया वहां हम दो तरह की हिंसाओं को देख रहे थे, एक डायरेक्ट वायलेंस और दूसरा इनडायरेक्ट वायलेंस। डायरेक्ट वायलेंस फिजिकल वायलेंस जो होता है शारीरिक हिंसा जो होती है जो जैसे बाहर हो सकती है घर के बाहर हो सकती है या घर के अंदर हो सकती है पति के द्वारा हो सकती है या जो काम कर रहे हैं काम देने वाले जो होते हैं उनके ऊपर से हो सकती है। दूसरा है इनडायरेक्ट वायलेंस स्ट्रक्चरल वायलेंस जो पितृसत्ता गरीबी पॉवर्टी इन चीजों से उभर के जो हिंसा आती है जिसको हम देख नहीं सकते हम उसको इनविजिबल वायलेंस भी कहते हैं, हम उसको भी देखेंगे। वायलेंस और हेल्थ और वायलेंस और लाइवलीहुड के बीच जो रिलेशनशिप है जो संबंध है उस पर ज्यादा चर्चा नहीं होती है, हमने उसको भी देखने की कोशिश की है। जब एक महिला पे हिंसा होता है
तो उसके काम करने की शक्ति कम हो जाती है, उसके लाइवलीहुड अर्निंग लाइवलीहुड की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है, उसके स्वास्थ्य पे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इसमें जो लिंक है उसपे भी हमको बहुत देखने की जरूरत है, हमने कोशिश की है। अब किस तरह की चीजें हमने देखी है हमारी स्टडी में, पहली बात स्टेटस ऑफ वुमेन, अब उसके कई इंडिकेटर्स हमने देखे। एक है फिजिकल मोबिलिटी, क्या महिलाएं घर के बाहर बिना पूछे अपने ही खुद के फैसले पर बाहर जा सकती हैं, चाहे कोई भी काम हो, चाहे बाहर जाना हो या बाहर काम के लिए जाना हो। इस पे हमें कई तरह के आंसर्स मिले, और सबसे ज्यादा ये थे कि महिलाएं बिना अपने पति से पूछे या अपने पिता से पूछे या किसी के बिना कंपनी हुए बाहर नहीं जा सकती। उस पे इसका लाइवलीहुड पे बहुत बड़ा प्रभाव होता है। दूसरी बात है डिसीजन मेकिंग, क्या वो अपने आप फैसले ले सकती है, चाहे वो पैसे खर्च करने के ऊपर हो या चाहे बर्थ कंट्रोल, बच्चे इनको चाहिए नहीं चाहिए, उस पर अगर मामला हो, उसमें भी हमने देखा महिलाओं के पास ज्यादा शक्ति नहीं है फैसला लेने की। तीसरा एस्पेक्ट हमने देखा डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, लड़की और लड़की के बीच में जो भेदभाव होता है वो बहुत उभर के आया, चाहे वो निम्न जाति के हैं या उच्च जाति के हैं, लड़के और लड़की के बीच में भेदभाव काफी हद तक प्रकट हुआ। सेक्सुअल अबॉर्शन, जब गर्भ में लड़की होती है तो गर्भपात जो करवाया जाता है, कई महिलाओं को प्रेशर दिया जाता है ये करने के लिए, ये बात भी उभर के आई। हालांकि निम्न जाति या गरीब महिलाओं ने बोला कि ये ज्यादातर ऊंची जाति में होता है, पर हमने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से जब बात की उन्होंने बोला कि कई जगह से कई सोशल इकोनॉमिक क्लासेस से ये बात आती है। एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई के मामले में भी भेदभाव किया जाता है, और कई महिलाओं का कहना था कि उनकी जो लड़कियां हैं वो सेकेंडरी एजुकेशन करने के बाद भी जॉब आउट कर जाती है। इसका कारण ये भी है क्योंकि स्कूल जो है, हाई स्कूल जो है वो बहुत दूर थी और सड़कें ठीक नहीं थी और महिलाओं को सुरक्षित फील नहीं होता था, और इस वजह से भी वो ड्रॉप आउट कर जाती थी। एक और इंडिकेटर था अर्ली मैरिज का, कम उम्र में शादी कराए जाने से स्वास्थ्य और लाइवलीहुड दोनों पर असर पड़ता है। कंडीशन ऑफ विडोज, विधवाओं के साथ जो सलूक होता है, बुरे किस्म का सलूक होता है, वो हमें सारे गांव में और सारे जातियों में दिखाई दिया। जब हम हिंसा की बात करते हैं उसमें हमने डोमेस्टिक वायलेंस को देखा, जो हिंसा घरों के अंदर होती है, पति के द्वारा की जाती है, वो हमें हर गांव में हर जाति में दिखा। इसके कारण कई थे, एक था अल्कोहल, दारू का एक बहुत बड़ा रोग था, इसमें अल्कोहल का बहुत बड़ा रोग था। दूसरा था दहेज के ऊपर बहुत लड़ाई होती थी कि ज्यादा पैसा नहीं आया है, कम मिले जा रहा है इस कारण। एक और था एक्सपेंडिचर, कि घर के जो पैसे हैं वो पति किस तरह इस्तेमाल करते हैं, कई जगह हमें ये भी सुनाई दिया कि उन्होंने पैसे खर्च दिए दारू पे या किसी और चीज पे, तो महिलाओं इस वजह से भी दिखाई दी जो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बात है।
एक और बात दिखाई थी कि पुलिस में ज्यादा फेक नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, लोगों को विश्वास नहीं है। पुलिस के पास बहुत कम केसेस जाते हैं अगर सेक्सुअल असॉल्ट के लिए। उसके एक कारण तो लैक ऑफ फेक है और दूसरा सोशल स्टिग्मा लॉस ऑफ ऑनर। लोग क्या कहेंगे, घर घर की बात बाहर नहीं बतानी चाहिए, ये भी एक कारण उभरा। तीसरी तरह वायरल्स का कास्ट बेस्ड वायरल्स। अभी कास्ट बेस्ड वायरल्स बहुत ज्यादा तो नहीं दिखाई दिया, ज्यादा ऑब्वियस वे में फिजिकल वे में, बट अनटचेबिलिटी छुआछूत की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिखाई दी सारे वर्गों में, सारे गाँव में। और ये अनटचेबिलिटी जो है किस तरह से आती थी, जैसे ऊंचे वर्ग के लोग, ऊंचे जात के लोग निम्न जाति के घर में नहीं जाते, उनके हाथ से पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते। एक और बात जो हमें दिखाई दी, विच वॉज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, द ट्रेडिशनल एसोसिएशन बिटवीन कास्ट एंड ऑक्यूपेशन। कुछ जो जाति है जिनको कुछ काम के साथ जोड़ा जाता है, जैसे कि मरे हुए पशुओं को उठाना या नालियों को साफ करना या जूठी उठाना, इन चीजों को बहुत ही ज्यादा मतलब नीचा काम माना जाता है और निम्न जातियों के साथ जोड़ा जाता है। कई जातियां जो थी जैसे रविदास है, मुसलमान है, जिनको ट्रेडिशनली इन कामों के साथ जोड़ा जाता है, वो और काम करने लगे, खेती बाड़ी करने लगे, बाहर जाने लगे। और इस वजह से जो गांव में जो कास्ट रिलेशन में तनाव आता है, जातियों के बीच जो तनाव आता है, वो बढ़ता रहा था। पर ये एट द सेम टाइम बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट भी है। कई और लड़ाइयां होती हैं जो हैंडपम्प पानी इस वजह से जो होती है, वो कई बार कास्ट कॉन्टेशन कास्ट का रूप ले लेती है, जाति का रूप ले लेती है, और इसमें मोशन ऑफ पोल्यूशन एंड प्योरिटी भी आता है। फिर हमने सोशल प्रैक्टिस, कुछ अंधविश्वास की जो चीजें हैं, जैसे